हमने जो जर्नी स्टार्ट की थी ऑडिटिंग की, उसको ही आज हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मींस हमने ऑडिट में देख लिया कि ये कहां से शुरू हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट्स देख लिया, ऑब्जेक्ट्स में प्राइमरी सेकेंडरी ऑब्जेक्ट भी हमने वेरीफाई कर लिए, बट सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इसके अगले वीडियो में। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया था, एरर ऑफ एरर इन ऑडिटिंग, बट आज की जो लेक्चर होगा उसमें क्या पढ़ेंगे हम, फ्रॉड। एरर जो थी वो अनइंटेंशनल हो रही थी, बट आज हम करेंगे फ्रॉड। यस जी हाँ, फ्रॉड करेंगे, और वो जो फ्रॉड होगा वो इंटेंशनली होगा। तो कैसे करते हैं फ्रॉड, तो यहाँ पे देखने जाए तो जो फ्रॉड हो रहे हैं, देयर आर थ्री टाइप ऑफ फ्रॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मींस किसी ना किसी तरीके से बिजनेस में से पैसे गायब कर लो। सेकेंड होगा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, मींस बिजनेस में कुछ गुड्स है उसको किसी ना किसी तरह से गायब कर लो। और थर्ड मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना उसमें कुछ ना कुछ मैन्युपुलेट करो, अप्स एंड डाउन करो। वो किस लिए, शेयर होल्डर्स है, अदर पब्लिक है, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव इंप्रेशन ही क्रिएट करने के लिए, मे बी नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए भी यहाँ पे मैन्युपुलेशन हो सकता है। तो स्टार्ट कर दे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश मींस आपको ये तो पता चल गया है कि किसी भी तरह से आपको यहां से पैसे उड़ा के गायब करने हैं बिजनेस में से। बट ये भी ध्यान रखो यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स ये कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा? अरे नहीं, एम्प्लॉयर का खुद का बिजनेस है, वो एम्प्लॉयर नहीं करेगा। एम्प्लॉयर के अलावा जो भी कोई बिजनेस में होगा वो ये काम कर सकता है। बट हाउ इट्स पॉसिबल कि बिजनेस में से पैसे को गायब करना, क्या एक मैजिक है? नहीं, ये मैजिक नहीं है। बट यहाँ पे जो बंदे का मेंटली है कि यार चलो इस कंपनी में कुछ ना कुछ फ्रॉड करते हैं, कुछ घोटाला करते हैं, कुछ ना कुछ पैसे लेके जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बाय रिकॉर्डिंग पेमेंट इवन दो नो कैश पेमेंट इज मेड, मींस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पेमेंट तो हो, पेमेंट हम लिखेंगे बट कौन सा पेमेंट लिखेंगे जो एक्चुअली कैश आउटफ्लो ही नहीं हुआ है। पेमेंट रिकॉर्डेड बट एक्चुअली नॉट कैश आउटफ्लो, जो कैश आउटफ्लो ही नहीं हुआ तो उसको लिखने की क्या जरूरत है? अरे लिखेंगे तो मींस एंट्री हो गई, पैसे किसी ना किसी तरीके से गए समझो, पर गए कहां पे, दिस वे नहीं, दिस वे मींस पॉकेट में जाएंगे हमारे पास पैसे, तो ये इसको बोलेंगे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। कैसे कर सकते हैं, दो तीन आपको एग्जांपल यहां पे मैं प्रोवाइड करूंगा। फिक्टिशियस पेमेंट एक याद रख लो, फिक्टिशियस पेमेंट मींस पेमेंट नहीं हुआ है फिर भी हम लोग लिख देंगे पेमेंट। फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड 500, अरे पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया ही नहीं है फिर भी लिख देंगे, चलो हो गया अपनी फिक्टिशियस एंट्री, ये एंट्री कभी हुआ ही नहीं है, ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, फिर भी हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख देंगे। देन आफ्टर अल्टरेशन इन फिगर इन वाउचर, मींस जो वाउचर है हमारे पास उसकी जो अमाउंट है ना उसके अमाउंट में कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी शॉप में गया, किसी स्टेशनरी शॉप में गया, स्टेशनरी वाले को मैंने 200 रुपीस पेमेंट किए स्टेशनरी वाले को, बट उसने मेरे को 200 का ही वाउचर पेमेंट किया, बट मैं क्या करूंगा 200 उसके बाद एक और जीरो ऐड कर दूंगा, मींस 2000 का वाउचर क्रिएट कर दूंगा, ये कंपनी में जाके मैं रीएम्बर्स करवा लूंगा, और कंपनी में जाके जब रीएम्बर्स करवाऊंगा तो ऑब्वियसली वहां से मेरे को 2000 रिसीव होगा, बट पेमेंट कितना किया हुआ है हम लोगों ने 200, तो बैलेंस जो अमाउंट रही 1800 वो गया मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। ये हो गई दो बात। देन आफ्टर एक और आपको एग्जांपल बता देता हूं, फेक डमी वेट शीट। डमी वेट शीट मतलब क्या, जो वेट शीट होती है जहां पे वर्कर्स का नाम लिखा होता है, वर्कर को कितने पैसे देने हैं, बाकी कितना है आउटस्टैंडिंग, उसके सामने पूरी वर्कर्स की हिस्ट्री होती है कि इसको इतने पेमेंट किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे पता है, डमी वर्कर्स हम लिख देंगे। मेरी कंपनी में मेरे पास समझो कि मेरे पास 15 लोग मेरे वर्कर्स हैं, मैं एज अ मैनेजर हूं, मेरे पास 15 वर्कर्स है, बट 5 वर्कर्स मैं एडेड कर दूंगा। अगर मेरे पास वर्कर्स नहीं है 15 प्लस मैं 5 और लिस्ट में ऐड कर दूंगा डमी नेम,
जो एक्चुअली है ही नहीं, और मैं वहां पे वेटशीट में लिख दूंगा कि इतना पेमेंट किया हुआ है। ऑब्वियसली पैसे मेरे को थोड़ी देने यार, मेरे को तो कंपनी के पास से पैसे लेने के, तो मैं पूरे के पूरे वहां से पैसे रिकवर करूंगा। पेमेंट होगा 15 वर्कर्स का, बाकी के 5 जो वर्कर्स होंगे उसके पैसे पॉकेट में जाएंगे। तो ये क्या हो गया, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बाय रिकॉर्डिंग एंट्री। पेमेंट तो लिख दिया, थ्रू नो कैश पेमेंट इज मेड, एंड देन आफ्टर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बाय नॉट रिकॉर्डिंग रिसीव्ड दो इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। यहां पे पैसे रिसीव्ड हो रहे हैं फिर भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं की है। तो यहां पे भी कुछ एग्जांपल हम लिखेंगे, लिखेंगे मीन्स मैं आपको समझा रहा हूं, आप इजीली समझ पाओगे। अलग अलग टॉपिक पे मैं आपको डिटेल में लेके जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओमिटिंग रिसिप्ट, मीन्स जो हमको रिसिप्ट हो रही है ना उसकी एंट्री काई को करने की, एंट्री नहीं हुई तो मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट को पता ही नहीं चलेगा कि पैसे आ रहे हैं। सीधा पैसा यहां से बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं, सीधा पैसा यहां से पॉकेट में जाएगा, तो हो गया हमारा काम। तो जो हम करना चाहते थे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। देन आफ्टर अल्टरेशन फिगर इन वाउचर, वाउचर्स में भी ये चेंज कर सकते हैं और वहां से भी हम पैसे मिस अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। सर मतलब हुआ तो नहीं, ये यहां पे मैं बात कर रहा था पेमेंट की, यहां पे बात कर रहा हूं रिसिप्ट की। कैसे, मेरे को कहीं से पैसे मिले हैं 2000 रुपीज, उसने मेरे को वाउचर भी दे दिया, मैंने साइन करके दे दिया, चलो भाई 2000 मेरे को रुपीज हुए, बट उस वाउचर में से 2000 मींस 2000 मैं किसी ना किसी तरह से ट्राई करूंगा कि पिछला जो लास्ट 10 है ना उसको कहीं ना कहीं से मैं रिमूव कर पाऊं। अगर मैंने वो रिमूव कर दिया तो कंपनी को मेरे को क्या शो करना है कि सिर्फ 200 रुपीज ही रिसीव हुए, तो बाकी के जो 1800 होंगे वो ऑब्वियसली पॉकेट में जाएंगे। Then after, जो wrong allowances होते हैं, wrong bad debt होती है, जो wrong discount होते हैं, उसको भी control करो, नहीं तो उसके ऊपर से भी misappropriation हो सकता है। For example, कोई company है, उस company में मैं काम कर रहा हूँ as a salesman, यहाँ पे समझो, मेरे पास कोई product है, suppose मेरे पास से ये वाली product है, जो मेरी selling price है 500, but company में से मेरे को बोला है अगर कोई customer है तो उसको 20% तक discount provide कर सकते हैं। मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट सोल्ड कर रहा हूँ 500 की, किसी कस्टमर ने मेरे को डिस्काउंट का अपना ही नहीं लिया, उसने 500 पूरा पूरा पेमेंट कर दिया, मैं कंपनी में जाके क्या बोलूंगा बताए, भाई इसने मेरे पास एक प्रोडक्ट आज बिका है बट आफ्टर 10% डिस्काउंट्स, तो 10% डिस्काउंट मीन 50 रुपीज तो हो गए अपने पॉकेट में। कंपनी को पेमेंट कितना करना होगा, ओनली एंड ओनली 450। तो ये बैड डेट है, अलाउंसेस है, ये जो भी है उससे भी हम रॉन्ग, जो ओरिजिनल में हुआ ही नहीं है डिस्काउंट, ओरिजिनल में कोई अलाउंसेस नहीं दिया, ओरिजिनल में कोई बैड डेट भी नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। देन आफ्टर टीमिंग एंड लीडिंग, टीमिंग एंड लीडिंग के बारे में क्या बात करते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, ये एग्जाम्पल समझो तो आप इजिली समझ पाओगे। मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, हमारे पास तीन बंदे हैं। मिस्टर ए के पास से मेरे को 10,000 लेने गए, मिस्टर बी के पास से लेने गए 10,000, मिस्टर सी के पास से लेने गए 10,000, बट हो क्या रहा है, मिस्टर ए ने मेरे को 10,000 दे दिए, मैं लिखूंगा मिस्टर बी ने दिए, मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या बोलेगा पता है, मिस्टर ए के पैसे तो बाकी ही है, और किसका पेमेंट क्लियर हो जाएगा, मिस्टर बी का। मैं सोचूंगा जब मिस्टर बी ने देगा पेमेंट तब मिस्टर एक अकाउंट में लिख देंगे, बट हुआ क्या, मिस्टर बी ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, यहां पे पेमेंट किया मेरे को मिस्टर सी ने, तो मैं काम करता हूं मिस्टर सी ने जो पेमेंट किया ना वो लिख देता हूं मिस्टर ए के अकाउंट्स में। यहां पर भी अभी भी क्या हो रहा है पता है, मिस्टर बी का पेमेंट आउटस्टैंडिंग बोलेगा, क्यों, क्योंकि ए का पेमेंट जो हुआ है, सॉरी ए का पेमेंट जो हुआ है, ए ने जो पेमेंट किया वो मैंने बी के अकाउंट में लिख दिया, मतलब बी का अकाउंट क्लियर हो गया। यहाँ पे सी ने जो मेरे को पेमेंट किया वो मैं ए के अकाउंट में लिख दूंगा, मींस ए और बी का पेमेंट क्लियर हो गया, सी के अकाउंट, सी का अकाउंट जो होगा वो बैलेंस दिखेगा, जबकि ओरिजिनल में देखने जाए तो बी ने हमको पेमेंट नहीं किया हुआ है। हाँ बट जब भी बी पेमेंट करेगा तो हम सी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बट सर यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन क्या हुआ, यहाँ पे तो टीमिंग एंड लीडिंग इन शॉर्ट लेबिंग हुआ, इसका पेमेंट इसके अकाउंट में, इसका पेमेंट इसके अकाउंट में, इसका पेमेंट इसके अकाउंट में, बट आखिर में तो क्लियर ही हुआ ना। हाँ
यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता था, अगर बी ने पेमेंट नहीं किया तो ए और सी का बैलेंस क्लियर बताएगा, बी का पेमेंट आउटस्टैंडिंग बोलेगा जबकि बी ने ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है। तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है टीमिंग और लीडिंग में, बट यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन होने के चांसेस कम है, बट कम है इट डजंट मींस कि नहीं हो सकता। अगर वो आखिर में पैसे नहीं मिले तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पैसे यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे होंगे, अदरवाइज वो पैसे गए, मिस अप्रोप्रिएशन हो जाएगा। तो ये था कि कैसे मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है, बट उसको बिजनेस जो है उसको हम पहचाने कैसे, डिटेक्ट कैसे करें, फाइंड आउट कैसे करें। तो डिटेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश, मींस बुक्स ऑफ अकाउंट में बोला है कि कैश बैंक अकाउंट 20,000 है, लाओ चलो बताओ कैश बैलेंस आपके पास फिजिकल फॉर्म में 20,000 है कि नहीं है, मींस बुक्स ऑफ अकाउंट का बैलेंस और फिजिकल बैलेंस इक्वल होना चाहिए। देन आफ्टर प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनाते हैं, जब हम बिजनेस में होते हैं तो बैंक से भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जब बैंक थ्रू ट्रांजेक्शन होते हैं तो बैंक जो भी एंट्री करती है बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक में एंट्री करेगी, बट हम लोग किस में एंट्री करते हैं, कैशबुक में। कैशबुक में जितना मेरा बैंक बैलेंस शो कर रहा है वही बैलेंस शो करना चाहिए पासबुक में, अगर वो मिसमैच हो रहा है तो प्रिपेयर कर लो प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इजीली पता चल जाएगी कि क्या घोटाला हुआ है, क्यों ये बैलेंस मैच नहीं हो रहा। देन आफ्टर स्टेटमेंट फ्रॉम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर मींस वो ऐसा बंदा जिसके पास से मेरे को पैसे लेने के, और क्रेडिटर मींस ऐसा लोग जिसको मेरे को पेमेंट करना है। यहाँ पे सिंपल है, मैं डायरेक्ट ही उनको पूछ लू भाई मेरे को कितने पैसे लेने के तेरे पास से, तू बोल, तो वो जो अमाउंट बोलेगा ना वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में होनी चाहिए, कंफर्मेशन ले लो उसके पास से। क्रेडिटर्स है, मैं उस बंदे को पूछ लू भाई मेरे को कितने पेमेंट करने, तू बोल, तो वो बोलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैच हो जाएगा अमाउंट। देन आफ्टर कैशबुक की बात करें तो कैशबुक में हम लोगों को बताया कि दो साइड होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगी वो हमारी होगी रिसिप्ट साइड, देन आफ्टर होगी वो पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड अगर हमारे पास पैसे मिले हैं तो वो किसके साथ वेरीफाई करो, एक रफ कैशबुक हो सकती है उसके साथ वेरिफिकेशन कर सकते हो, रिसिप्ट बुक और सेल्समैन के रिपोर्ट के साथ। देन आफ्टर अगर पेमेंट है तो पेमेंट को किसके साथ हम वेरीफाई करेंगे, वेटशीट और पेमेंट बुक। यहाँ पे अगर आपने ये फोर स्टेप अप्लाई किए तो आप डिटेक्ट तो कर पाओगे कि फ्रॉड कैसे हो रहा है, डिटेक्ट कर लो। बट नॉर्मली क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉयर नहीं चाहता कि हमारे फर्म में फ्रॉड हो, तो उस एम्प्लॉयर के कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए। प्रिकॉशन मींस प्रिवेंशन, उसको पहले ही स्टॉप कर दो, ये चीज आने ही मत दो कि हमको फाइंड आउट करना पड़े, यहीं से स्टॉप कर दो कि फ्रॉड करने की कोई कोशिश ही ना करे। तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है, तो नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। प्रिवेंशन मींस कंट्रोल करेंगे, हाँ ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% जीरो हो जाएगा फ्रॉड बिजनेस में, फ्रॉड होंगे बट ऑब्वियसली अगर ये फैक्टर आपके बिजनेस में है तो आप इजीली कंट्रोल तो कर सकते हो। फर्स्ट वाला पॉइंट, कैशियर शुड नॉट बी अलाउड टू हैंडल अ लेजर एंड बैंक ऑपरेशन। मींस जो कैशियर है ना, कैशियर को बैंक बैलेंस के रिलेटेड, बैंक के रिलेटेड कोई भी वर्क हो या लेजर अकाउंट्स के रिलेटेड हो, उसका काम ही मत दो। कैशियर का वर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है, पैसे रिसीव करो और पेमेंट करो, जो वाउचर अप्लाई हो रहा है वो वाउचर प्रिपेयर करो, बस इतना ही काम, ना कि उनको लेजर का वर्क ना करो उनके पास से और ना तो बैंक ऑपरेशन। तो इजीली आपके बिजनेस में से जो होगा ना वो फ्रॉड होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे रिसिप्ट इश्यू बाय ऑथराइज्ड पर्सन, मींस कभी कोई पेमेंट किया होगा या पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है तो वहां पे हमको रिसिप्ट इश्यू करनी है, एक वाउचर होगा, तो वो वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर से बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्री होती है। अगर वो वाउचर में ही फ्रॉड हुआ तो बुक्स ऑफ एंट्री ऑब्वियसली रॉन्ग होगी हमारे पास, तो क्या करेंगे, जो इश्यू करेंगे ना वो वाउचर एकदम परफेक्टली ऑथोराइज्ड सिग्नेचर होने चाहिए। ऐसे लिबरल मत रहो बिजनेस में कि अगर वो वाउचर कोई भी इश्यू करे तो वैलिड गिनाएगा। यहाँ पे स्पेसिफिक बंदे को बोल दो कि आपको ही पेमेंट करना है, आपकी ही यहाँ पे साइन होगी तभी ये वाउचर वैलिड होगा। देन आफ्टर
स्मॉल पेमेंट पेटी कैश सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय स्पेशल क्लर्क। मींस अगर छोटे छोटे पेमेंट्स है, वेजेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, स्टेशनरी है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, अगर ऐसे छोटे छोटे पेमेंट है तो उसके लिए एक बंदा ऐसा हायर कर लो जिसको हम नॉर्मली नॉमिनल सैलरी पे रख दो, वही वो पेमेंट करता रहेगा और ऐसे छोटे छोटे पेमेंट की भी एंट्री वो करता रहेगा। तो ये भी हमारा एक बेनिफिट होगा कि यहाँ पे भी छोटे छोटे एक्सपेंस में भी जो फ्रॉड हो रहा है वो ऑटोमेटिकली फ्रॉड कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। देन आफ्टर लार्ज पेमेंट मस्ट बी इन चेक। अगर कोई बड़ा पेमेंट हो रहा है, मींस नॉर्मली देखने जाए तो कॉमर्स वाले बड़ा पेमेंट किसको बोलेंगे, 20,000 और अब उसके ऊपर पेमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो तब तक चेक में ही पेमेंट करो और चेक में भी वो भी पॉसिबिलिटी है तो क्रॉस चेक ही वहां पे प्रोवाइड करो। क्यों? आपने क्रॉस चेक प्रोवाइड किया तो ऑब्वियसली आपके बैंक स्टेटमेंट में नाम शो करेगा कि आपको किसने पेमेंट किया हुआ है, या फिर आपको किसने पेमेंट किया हुआ है वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। डिस्काउंट अलाउंसेस बैड डेट सैंक्शन बाय अदर पर्सन देन हु रिसीव्ड कैश। वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं एज अ सेल्समैन गया था कहीं पे प्रोडक्ट सोल्ड आउट करने के लिए, बट क्या करूंगा यहाँ पे, चलो भाई ठीक है मेरे को बोला हुआ है कि 500 रुपीज में सोल्ड आउट करना है, आप 10% डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर सकते हो, बट वो डिस्काउंट सैंक्शन करने की अथॉरिटी मेरे पास नहीं होनी चाहिए। कोई डिस्काउंट कर मांग रहा है तो मैं वहां पे पहले कस्टमर वहां पे कंपनी में कॉल करूंगा और कंपनी से कंसल्ट करके डिस्कस करूंगा कि ये बंदा इतना डिस्काउंट मांग रहा है तो क्या मैं प्रोवाइड करूं। तो मींस बैड डेट है, डिस्काउंट है, अलाउंसिंग सैंक्शन करने की अथॉरिटी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के पास होनी चाहिए। साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक फॉर द रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। साउंड मींस क्या, एकदम परफेक्ट सिस्टम होनी चाहिए, पैसे आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं उसकी सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करो। इन शॉर्ट बिजनेस में से एक भी पैसा ना तो बाहर जाना चाहिए ना तो अंदर आना चाहिए विदाउट इश्यूइंग वाउचर। वाउचर के बिना पैसे इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होने चाहिए यहाँ पे। देन आफ्टर स्टेटमेंट टू डेटर एंड क्रेडिटर शुड बी सेंट एट रेगुलर इंटरवल फॉर देयर कंफर्मेशन। मींस यहाँ पे याद करो, आगे मैंने डिटेक्शन में बोला था कि डेटर को कॉल करके पूछ लो कितने पैसे लेने के, क्रेडिटर्स को पूछ लो मेरे को कितने पैसे पेमेंट करने बाकी है, बट मैं क्या करूंगा रेगुलर इंटरवल्स मींस 15 डेज 1 मंथ बाद में डेटर को पूछ लूंगा, भाई मेरे को इतने पैसे लेने के थे प्लस मैंने इतना तेरे को इस महीने में गुड्स रोल आउट किया हुआ है, माइनस तूने मेरे को इतना पेमेंट दिया हुआ है, बैलेंस है इतना, चल भाई कंफर्म कर दू। उसने कंफर्म कर दिया, ओके देन आफ्टर मेरे को पेमेंट करना है, बोल दूंगा इस महीने की पहली तारीख को इतना पेमेंट बाकी था मेरा पेमेंट करने का, देन आफ्टर मैंने परचेज किया प्लस देन आफ्टर मैंने कुछ पेमेंट भी किया माइनस करूंगा जो बचा वो, क्या मेरे को इतना पेमेंट करना बाकी है, वो बोलेगा यस। दोनों तरफ से कंफर्मेशन मिल गए, मैं ऐसा करता रहूंगा ना तो जो बीच में होंगे मेरे और डेटर क्रेडिटर्स के जो बीच में जो पैसे इनफ्लो आउटफ्लो जिस भी तरह से हो रहा है जो चैनल है उसमें से कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश करेगा नहीं, वो सोचेगा ही नहीं, पता ही है कि जो ऑनर है वो रेगुलरली कंफर्मेशन ले रहे हैं तो बीच में किसी के भी मेंटल में ऐसा होगा भी नहीं कि चलो भाई कंपनी में मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश कर ले। तो ये टॉपिक जो था वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश ही यहाँ पे पूरा होता है यहाँ पे आपका। फ्रॉड में नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारे पास आएगा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और असेट। बिजनेस में से क्या होता है, कुछ कुछ लोग तो ऐसा भी काम करते हैं कि जो बिजनेस में गुड्स है असेट है ना वो भी चुरा के घर पे लेके जाते हैं, तो ये भी सर पॉसिबिलिटी है। हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है। कैसे सर लोग करते हैं ऐसा काम, तो सबसे पहले देख लेते हैं हाउ इट्स पॉसिबल नॉट रिकॉर्डिंग परचेज। कुछ कुछ लोग क्या करेंगे, बिजनेस में कुछ परचेज किए है ना, वो बिजनेस के नाम से परचेज किया होगा कुछ भी होगा, बट वो परचेज की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में ही नहीं लिखेंगे, जो भी परचेज किया होगा सीधा अपने घर पे ही जाने वाला है वो। देन आफ्टर Recording more consumption of raw material than actual. Normally क्या होता है कि कोई कंपनी अगर प्रोडक्शन कर रही है कुछ चीज प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें जो मटेरियल कंज्यूम हो रहा है उससे भी हम ज्यादा शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन एक्चुअल हो रहा है 100 kg, हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे 120 kg कंजम्पशन हो रहा है, तो इसके ऊपर से भी जो 20 kg का जो बेनिफिट हुआ वो बेनिफिट होगा सीधी अपनी फैमिली वालों को। देन आफ्टर
showing more wastage and scrap. Normally क्या होता है यहाँ पे business है तो business में production के time पे कुछ ना कुछ wastage होता है, but wastage के percentage 2% 5% होते हैं. बट कभी कभी क्या होता है कि ये लोग मिस अप्रोप्रिएशन करने के लिए वेस्टेज का जो लेवल है ना वो कुछ हाई लेवल पे बता देते हैं. मींस बिजनेस में 5% वेस्टेज हो रहा है तो कभी कभी एक्सीडेंट की वजह से बता दिया कि चलो इस बार 10% 15% हो गया. तो ऐसे भी हो सकते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश. अल्टरेशन इन स्टॉक रजिस्टर, अरे कुछ लोग तो जो स्टॉक रजिस्टर इनवर्ड आउटवर्ड का जो रिकॉर्डिंग होती है ना वहां पे भी चेंजेस कर देते हैं. वहां पे बैलेंस जो अमाउंट होती है जो फिगर लिखते हैं उसमें भी चेंजेस हो सकती है. शोइंग लेस क्लोजिंग स्टॉक, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक ही लेस लिखेंगे, एक्चुअली होगा ज्यादा. परसर कम लिखेंगे तो फिजिकल वेरिफिकेशन करने तक वो गुड्स वहां से निकल गया होगा, तो ये भी चांसेस है. देन आफ्टर शोइंग मोर इश्यू ऑफ फिनिश गुड्स देन एक्चुअल. नॉर्मली बिजनेस में से जब फिनिश गुड्स प्रोडक्शन होते हैं तो बिजनेस में से इश्यू होते हैं, तो कितने इश्यू करेंगे, जितने एक्चुअल इश्यू है ना उससे भी ज्यादा हम इश्यू बताएंगे वहां पे. तो ऐसे हो सकता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और असेट. फाइंड आउट कैसे करें, डिटेक्शन कैसे करें, यहाँ पे कहां पे आपका मिस अप्रोप्रिएशन में गलती हो रही है ना वो पहले समझ लो. एक तो परचेज में गलती हो सकती है, परचेज कर रहे हैं रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, एक यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है. सेल्स कुछ ज्यादा ही इश्यू कर रहे हैं, एक तो कंपनी में जो प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे वेस्टेज और वहां पे कुछ हो रहा है, मतलब इन तीन जगह पे तो डीपली वेरीफाई करो. कैसे वेरीफाई करना है समझो, मैं किसी परचेज में से मेरे को चेक करना है परचेज बुक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चेक करो परचेज ऑर्डर क्या दिया था उसको, उसके बाद जहां पे से मैंने गुड्स परचेज किया उसका ओरिजिनल इनवॉइस भी वेरीफाई कर लो. ओरिजिनल इनवॉइस वेरीफाई करने के बाद यहां पे चेक करो कि अपनी कंपनी में जब गुड्स आए तो क्या वो पूरी क्वांटिटी में था कि नहीं था. उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन करो. ये डिटेल में अगर हमने वेरिफिकेशन कर दिया तो पता चल जाएगा. क्यों? क्योंकि जो भी कोई एक इंसान होगा जो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है ये सारी जगह पे तो चेंजेस नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है. तो परचेज चेक विद द परचेज ऑर्डर में चेक कर लो, ओरिजिनल इनवॉइस में, गुड्स रिसीव नोट, स्टॉक रजिस्टर एंड परचेज बुक, इतने में वेरीफाई करो. अगर सेम अमाउंट है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिजनेस में फ्रॉड नहीं है. सेल्स बुक में भी ऐसे करो, सेल्स चेक विद द रिसिप्ट कॉपी ऑफ ऑर्डर. अगर मैंने सेल्स कर रहा हूं तो किसी के पास से मेरे को तो ऑर्डर तो मिला होगा ना, ऑर्डर में देख लो मेरे को इतने का ऑर्डर मिला था, मेरे को इतने ही इश्यू करने हैं. Then after sales invoice copy देख लो, copies of delivery चलाने हैं, goods outward register. Then after अपनी खुद की बात करें company में क्या होगा, तो company में याद करो मैंने wastage और उसके related कुछ बोला था. तो consumption of goods check with the material requisition notes. जहाँ पे production हो रहे हैं उन लोगों ने कितना material की required मांगी थी. Then after material transfer note, कितना material वहाँ से transfer हुआ है. And then after store ledger. और एट लास्ट जो मैंने पहले ही बोल दिया, फिजिकल वेरिफिकेशन करते रहो रेगुलर टाइम पे, तो तब तक आपका यहाँ पे बिजनेस में से कुछ फ्रॉड करना नॉर्मली थोड़ा कम हो जाएगा. एंड एट लास्ट इसको प्रिवेंट कैसे करें, इसको रोके कैसे, क्या रोकना पॉसिबल है, कंट्रोल करना पॉसिबल है? हाँ है, बट कैसे? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स सेंड टू क्रेडिटर्स एंड डेटर एंड गेट कंफर्मेशन. मींस डेटर और क्रेडिटर क्यों आ रहा है सर यहाँ पे बीच में? याद करो मैंने यहाँ पे पहले ही बोला कि फ्रॉड कहाँ से स्टार्ट होता है, परचेज और सेल्स के ट्रांजेक्शन से होता है. मैंने वहां से परचेज किए 100 यूनिट तो मैं डायरेक्टली उसको भी पूछ लूं, भाई मैंने तेरे पास से 100 यूनिट परचेज किए हुए, तूने 100 यूनिट इश्यू किए थे, फिर मैं सोचू कि यहाँ पे 90 यूनिट क्यों आए तो फ्रॉड हुआ है. वैसे ही मैं यहाँ पे सेल्स कर रहा हूँ, सपोज मैंने किसी को 100 यूनिट सोल्ड कर किया हुआ है और वो बोल रहा है कि नहीं सर आपने तो 90 यूनिट ही भेजे हैं, तो 10 यूनिट का कुछ ना कुछ घपला हुआ है. तो ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेटर क्रेडिटर का कंफर्मेशन ले लें. एंड देन आफ्टर साउंड एंड सिस्टमेटिक इंटरनल चेक. ये तो हर किसी में भी आप लिख सकते हो यार, इजी है. अगर साउंड सिस्टमेटिक इंटरनल सिस्टम है, अपनी ही सिस्टम परफेक्ट है, तो फ्रॉड पॉसिबल ही नहीं होगा. क्योंकि जब बेसिक क्लियर होगा तो ऊपर कोई फ्रॉड करने की कोशिश करेगा नहीं. ये वाला अपना सेकंड टॉपिक था, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स और कैश, और सॉरी कैश नहीं,
मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड असेट। बट देखने जाए तो यहाँ पे दो टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिए, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश कैसे होता है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कैसे होता है। पहले दोनों के रीजन देखे, दोनों के डिटेक्शन एंड देन आफ्टर दोनों के लिए हमने प्रिवेंशन देखी कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जब बारी आती है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ये मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स है ना, वो मैनिपुलेशन मींस क्या, कुछ ना कुछ चेंजेस करना। जब बात आती है चेंजेस करने की तो यहाँ पे जो कौन चेंजेस करेगा, क्या बिजनेस के वर्कर्स चेंज करेंगे, क्या एम्प्लॉय चेंज करेंगे, नहीं, यहाँ पे जो भी करेगा वो एम्प्लॉयर करेगा। जब फर्स्ट दो वाला पोर्शन था कैश और गुड्स का मिसअप्रोप्रिएशन, वो एम्प्लॉयर नहीं करेगा, वो बिजनेस के एम्प्लॉयर वर्कर्स करेंगे। क्यों करेंगे ये? मैनिपुलेशन मींस क्या है, पब्लिक के दिमाग में सिंपली कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट में चेंजेस किया जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। ये जो मैनिपुलेशन है वो क्यों करते हैं, क्यों, ऑब्जेक्ट क्या है उसके पीछे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में पहले क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा मोर प्रॉफिट, मींस जितना बिजनेस में प्रॉफिट होता होगा उससे हमने ज्यादा प्रॉफिट शो किया हुआ है, जिसको हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं विंडो ड्रेसिंग। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, सेकंड पार्ट लेस प्रॉफिट, मींस जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे हम कम प्रॉफिट दिखाएंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लूमी पिक्चर। इन शॉर्ट इसको दूसरा भी हम नाम दे सकते हैं, सीक्रेट रिजर्व। तो यहाँ पे बात करें कि क्यों ऐसे हायर प्रॉफिट क्यों बताते हैं, क्यों लोअर प्रॉफिट शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन करते हैं फर्स्ट पार्ट वाले का, मोर प्रॉफिट क्यों बताते हैं। अगर कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट पे जो बैठे हुए मैनेजर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको कमीशन या उनको सैलरी किसके बेस के ऊपर मिल रही है पता है, प्रॉफिट के बेस के ऊपर। मीन्स जितना प्रॉफिट हायर होगा उसको उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये जो टॉप डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो क्या करेंगे, शोइंग मोर प्रॉफिट फॉर गेटिंग हायर कमीशन, एम्प्लॉइज गेट मोर कमीशन। देन आफ्टर शोइंग हायर एफिशिएंसी, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर शेयर होल्डर्स आए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजर को चेंज कर सकते हैं, बट मैनेजर्स को या डायरेक्टर्स को चेंज कब करेंगे, जब वो प्रॉपर इफिशियंसी से वर्क नहीं कर रहे। तो मैनेजर ही होंगे या फिर टॉप डिपार्टमेंट होगा, वो क्या करेंगे, प्रॉफिट हायर बताएंगे। प्रॉफिट अगर हायर दिखेगा तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर क्या सोचेंगे, भाई इस बिजनेस में तो जो मैनेजमेंट है ना वो परफेक्टली हो रहा है। तो मतलब एक नेगेटिव को पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए वो लोग ऐसा काम करते हैं, शेयर सेल एट हायर प्राइस। अगर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट है उसके रिलेटिव के पास कभी शेयर्स है, तो अगर वो हाई प्रॉफिट में उसको सोल्ड आउट कर रहा है, हायर रेट में सोल्ड आउट कर रहा है, तो शेयर के प्राइस हायर कैसे होंगे अगर प्रॉफिट कंपनी का बढ़ेगा। तो इसीलिए भी कभी कभी कंपनी का प्रॉफिट हायर दिखाया जाता है। ऑब्टेन क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, बैंक के पास से अगर लोन लेना है तो ऑब्वियसली हमारा क्रेडिट अच्छा होना चाहिए। तो क्रेडिट अच्छा बनाने के लिए, मींस लोन लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए प्रॉफिट हायर दिखाया जाता है। अट्रैक्ट मोर सब्सक्राइबर फॉर सेल ऑफ शेयर, अगर कंपनी नए शेयर इश्यू कर रही है तो नए शेयर परचेज कौन करेगा, तो वो परचेज करने के लिए दिमाग में पॉजिटिव इंप्रेशन होनी चाहिए। तो उस इंप्रेशन को क्रिएट करने के लिए भी, मींस शेयर होल्डर या पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए भी प्रॉफिट हायर दिखाया जाता है। इसको हम क्या बोल देंगे, विंडो ड्रेसिंग, जो एक्चुअली है नहीं बट दिखाया जाता है। देन आफ्टर लोअर प्रॉफिट क्यों दिखाया जाता है, परचेज शेयर एट लोअर प्राइस इन मार्केट, कभी कभी कंपनी खुद के ही शेयर मार्केट में से वापिस परचेज कर लेती है। उसके अलग अलग रीजन है क्यों वो परचेज करती है, कभी कभी क्या होता है कि ओनरशिप कम करने के लिए, तो इसकी वजह से मार्केट में अगर कम प्राइस में शेयर परचेज करने हैं तो कंपनी ऑटोमेटिकली खुद का प्रॉफिट कम दिखाएगी, तो शेयर के प्राइस डाउन हो जाएंगे और उसी प्राइस से शेयर कंपनी वापिस बायबैक कर लेगी। देन आफ्टर रिड्यूस और अवॉइड टैक्स पेमेंट, अगर टैक्स का पेमेंट कम करना है या तो टैक्स पेमेंट ही नहीं करना, उसकी वजह से प्रॉफिट कम दिखाएंगे। Give wrong impression about the success of business to the competitors. यहाँ पे समझने की बात करो। मैं successful हो रहा हूँ, but मैं ये show करूँगा कि मैं success हो रहा हूँ, तो मेरे को destroyed करने के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करेगा।
कोई ना कोई ऐसे कुछ काम करेगा जिससे जो मेरा सक्सेस यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाए। बट मैं क्या करूंगा, सक्सेस तो हो रहा हूं बट कॉम्पिटिटर जो मेरे हैं उनके दिमाग में रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करूंगा कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो लॉस शो कर रहा है या फिर कम प्रॉफिट शो कर रहा है, तो वो लोग मेरे को डिस्ट्रॉय या मेरे को खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व या तो फिर ग्लूमी पिक्चर। देन आफ्टर देखते हैं इसको डिटेक्ट कैसे करें। पर यहाँ पे डिटेक्शन और प्रिवेंशन में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों इसको डिटेक्ट करना क्यों डिफिकल्ट है, तो देखो ऑडिटर मस्ट हैव फंडामेंटल एंड साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ही शुड चेक ईच एंड एवरी आइटम। यहाँ पे ऐसा कोई आपके पास जुगाड़ नहीं है कि इसको वेरीफाई कर लो, क्योंकि ये जो फ्रॉड करते हैं ना, वो कौन फ्रॉड करता है, टॉप मैनेजमेंट है या फिर एम्प्लॉयर है, तो वो बहुत इंटेंशनली और सोच समझ के ये सब फ्रॉड करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर ऑडिटर के पास प्रॉपर नॉलेज अकाउंटिंग सिस्टम है ना, और ईच एंड एवरी आइटम अगर वो चेक कर रहा है, तो ही वो इस फ्रॉड को फाइंड आउट कर पाएगा। देन आफ्टर प्रिकॉशन क्या होंगे, मतलब प्रिवेंशन क्या होंगे, मतलब सब लोगों को पता है कि ये जो मैनिपुलेशन है वो एज दिस टाइप ऑफ फ्रॉड इज कमिटेड विद डेलिब्रेट मींस इंटेंशनली किया जाता है, डेलिब्रेट इंटेंशन बाय पर्सन ऑफ टॉप लेवल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिवेंट दिस फ्रॉड। मतलब इस फ्रॉड को प्रिवेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट ऑडिटर्स को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि फ्रॉड और एरर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से बाद में डिटेक्ट हुआ या बाद में कुछ पता चला, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट के ऊपर है। मीन्स ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की खातिर वो तब तक 100% एफर्ट्स देता है कि कुछ बिजनेस में एरर या फ्रॉड ना रह जाए। मीन्स देखने जाए तो ऑडिटर्स के ऊपर तो एक लटकती तलवार है। ऑडिटर्स इजीली फाइंड आउट कर सकता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। हमने उसमें बहुत सारे पॉइंट देखे कि क्या क्या वेरीफाई करेंगे। और दूसरा भी सोचो ना, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और गुड्स कौन कर रहा है, वो जो लोअर लेवल पे है, एम्प्लॉई है, वर्कर्स है, वो तो उनके पास उतना दिमाग नहीं होता, तो कभी कभी वो गलती कर बैठते हैं। और यहाँ पे जो लोग ये खेल करते हैं वो बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं, तो उन लोगों ने, मतलब एम्प्लॉयर है जो टॉप मैनेजमेंट, उन लोगों ने बहुत सारे सोच के फ्रॉड किया होगा, तो उसको डिटेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। बट फिर भी ऑडिटर अपनी अगर जिम्मेदारी पूरी करता है, 100% एफर्ट देता है, तो वो उसको भी डिटेक्ट करेगा और उसको भी फाइंड आउट कर लेगा, क्योंकि एट लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑडिटर्स की। तो ये आज का पूरा सेशन था, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश देखा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड असेट देखा, एंड देन आफ्टर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। तो ये था सेशन पूरा फ्रॉड के रिलेटेड। इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हो। तब तक ऑल द बेस्ट।